हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और यहाँ पे देखिए ये क्या चल रहा है। आज आप लोग को कुछ न्यू रेसिपी मिलने वाला है, वो भी बच्चे बना रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो शूट कर लूँ। और ये लोग को अभी आजकल ना लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है कुकिंग का। पहले तो फ्रूटी को ही चढ़ा था, अब अनुष को भी चढ़ गया। तो यहाँ पे आज ये लोग बनाने वाले हैं, मतलब जो पैकेट वाले कप नूडल होता, कप सूप होते हैं, वो बनाएंगे और हक्का नूडल बनाएंगे। तो चलिए देखिए, कटिंग चॉपिंग है दोनों फ्रूटी है, मतलब ये अभी अनुष कर रहा है कैबेज, और जो कैप्सिकम है वो फ्रूटी ने किया है। मैंने कुछ भी हेल्प नहीं किया, सिर्फ मैंने शूट किया है और थोड़ा बहुत जहाँ गड़बड़ हो रहा है वहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए इनकी कटिंग कैसी कटिंग है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं साथ में खड़ी हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं खड़ी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ धो रहा है और एक चॉपिंग कर रही है। और मैंने किचन वगैरह साफ़ करके इनको दे दिया था। और यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर देती हूँ। यहाँ पे अनुष देखिए क्या कर रहा है, जो ब्लैक पेपर है उसको कूट के ले रहा है। पूरा जो भी प्रिपरेशन है ये लोग ने ही किया है, सिर्फ मैं खड़ी। और यहाँ पे कप सूप बन रहा है, जो मुझे लगता है चिंक्स का था शायद से। और यहाँ पे फ्रूटी कैरेट को छील रही है, और यहाँ पे अनियन नहीं डाला इनसे ना, गलती से वो गार्लिक जिंजर का पेस्ट पड़ गया। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कूट के ले रहा है। मेरे को दो तीन बार पूछा कि मम्मी बस हो गया क्या, तो मैंने बोला इतना मोटा मोटा थोड़ी खाना है। और यहाँ पे फ्रूटी देखिए कि अभी प्लेट में सारा जो वेजिटेबल कट किया था वो निकाल रही है, क्योंकि उसको कैरेट कट करना है। और यहाँ पे ये सूप चला रहा है। और यहाँ पे देखिए अभी गैस ऑन करेगा। और इन लोगों ने पता नहीं कुछ अभी तो और भी डिसाइड हो रहा है, पनीर चिली बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, दोनों में डिसाइड चल रहा है कि तू क्या बनाएगी मैं क्या बनाऊंगी, यही सब चल रहा है। और मेरे को बोल रहे हैं मम्मी आप आराम करो, हम लोग बना के आपको खिलाते, बताइए अब इतना सुख किसको मिलेगा सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए इसने कूट लिया है, कब से कूट रहा है, 10 मिनट से कूट रहा था उसको। तो यहाँ पे देखिए इसने गैस ऑन कर लिया है। और मैं जो भी चीज़ें सिखाती हूँ पीछे वाले गैस पे रख के सिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिफाइंड डाल के दे रही हूँ, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं समझ में आता इसके लिए। लेकिन तो भी फ्रूटी से थोड़ा सा विनेगर गिर गया था जब विनेगर डाल रही थी। तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत बच्चे जब बनाते हैं ना तो गिरता है। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है। आप बच्चों को ज़रूर दिखाना ये वीडियो, स्पेशली बच्चों के लिए ये वीडियो है, तो ताकि वो भी सीखे। तो यहाँ पे देखिए अनुष ने ना, मैंने अनुष को बोला था ग्रेट करके डालने के लिए, तो अनुष ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। और मेरे भी ध्यान में नहीं आया एक्चुअली, जब ये बना रहे थे तो मैं इन पर ध्यान दे रही थी, तो इसके लिए। तो कोई नहीं, जाने दीजिए, होता है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने डाल दिया, जब ये डाला ना तो बहुत तेज़ उड़ा, तो देखो कितना दूर भागा वो। मुझे इतनी हंसी आई ना, और जब फ्रूटी चलाई तो ये देखो उसके हाथ पे पूरा लग गया, मतलब थोड़ा बहुत होता है ना बच्चों का। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रूटी डाल रही है, और ये अभी चलाएगा। और दोनों आधा आधा काम कर रहे, वो दोनों का डिसाइडेड था कि आधा तू करेगी आधा मैं करूँगा, तो वही दोनों कर रहे। तो चॉपिंग कटिंग जो था वो अनुष और फ्रूटी ने किया, मिक्सिंग का था वो भी अनुष फ्रूटी ने किया, सॉस वगैरह डालना था वो भी अनुष फ्रूटी ने किया, दोनों ने ही मिल के किया। और नूडल का टेस्ट बोलूँ तो एकदम मस्त था, बहुत ही सही था। बाद में मैं खा के भी बताऊँगी आपको, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर देखिए कैसे चला रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा कैसे चला रहा है। अभी फ्रूटी चलाएगी, देखिए कितना अच्छे से बोलता है, अरे बाप रे देखो कैसे चला रही है। तो मतलब इन लोगों की बहुत मस्ती चल रही थी। और बेटा बोल रहा था कि खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं है जितना पकाने में है। और बच्चों का क्या है, थोड़ा दिन का शौक रहता है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए। और ये लोग कुछ नया कर रहे थे इसलिए मैंने शूट किया है। अभी मेरे घर में इनको ज़्यादा ही मतलब कुकिंग का शौक चढ़ा है इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था। आप लोग अभी नवरात्रि में नहीं खाते तो मत डालिए, अभी गलती से पड़ गया। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक पेपर डाला इसने कूट के फ्रेश, और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मैं बता रही हूँ क्योंकि विनेगर में भी और सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है ना, तो इसके लिए। लेकिन टेस्ट एकदम बैलेंस था, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं था। ये तो थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था, अभी देखिए विनेगर गिर जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको मैंने बोला हाफ टी स्पून डालने के लिए, तो इसने पूरा ही उलट दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल, कि गिरेगा तो कढ़ाई में ही डालेगा। तो यहाँ पे एक पैकेट का जो हक्का नूडल्स आता है सेज़वान नूडल्स, वो डाला है, मतलब वो बना रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैचअप डलवा रही हूँ इनसे, और थोड़ा सा इनको तीखा खाना पसंद है, तो इसके लिए लोग ग्रीन चिली पेस्ट भी डालेंगे। और यहाँ पे जितने भी बर्तन को इस्तेमाल किया था मैंने, वो धोने के लिए भी बताया कि अगर आप कुकिंग करते हो ना तो सारे बर्तन एक साथ ही धो के निकाल लिया करो, ताकि पूरा किचन साफ़ हो जाए। तो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। होप इनको तो नूडल बनाना आ गया, तो अब ये कभी भी मतलब मेरे बिना मदद के भी बना सकते हैं। ये कि मैं गैस के पास खड़ी रहती हूँ, कभी भी मैं अकेले नहीं छोड़ती हूँ ये चीज़ें। तो आप देख सकते हो कितना यम
लग रहा है, और लेकिन सच में सीरियसली बहुत ही टेस्टी था। किसी दूसरे के हाथ का खाने में कितना टेस्ट आता, और यहाँ पे इनका जोक चल रहा है क्योंकि उसको चला ही मतलब ये मिक्स करने को नहीं आ रहा है ना इसके लिए, तो यहाँ पे अच्छे से ये मिक्स करेगा और उसके बाद से यहाँ पे नूडल्स डाल देंगे ये लोग और मिक्स करेंगे। तो थोड़ा मिक्स मैंने करके दिया था क्योंकि नूडल्स इनसे बाहर गिर रहा था। अभी बच्चे इतना तो नहीं आएगा ना इनको, लेकिन तो भी इतना करे यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। और एक्चुअली दिन भर हमने काम किया था ना हम तीनों ने, मतलब आपको बताया था कि जो जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि वो साड़ी वगैरह मुझे सब लगाना था, इनका भी वार्डरोब क्लीन करना था, बहुत गंदा हो गया था और नीचे तो जाना नहीं है इसीलिए थोड़ा सा क्लीन किया। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, अभी क्लीनिंग का क्या शूट करूँ, इसीलिए मैं भी क्लीनिंग करूँ कि शूट करूँ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए बन चुका है और यहाँ पे सूप है और यहाँ पे इनका रिव्यू। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और आपने देखा सूप और नूडल्स किसने बनाया। चलिए अभी टेस्ट की बारी है, टेस्ट करते हैं। और ब्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट किया है, बोला चलो ये लोग बना रहे हैं तो थोड़ा मैं शूट करती हूँ। इन लोगों भी आजकल लॉकडाउन में काफी ज्यादा नशा चढ़ा है कुकिंग का, थोड़ा दिन बनाएंगे फिर वही शांत हो जाएंगे। रुको नहीं, कल मैं खा के देखती हूँ कैसा हुआ है। कल नया रेसिपी ओके, पास्ता बनाऊंगी सुबह और रात को फ्राइड राइस। ओके कैसा है? नहीं हुआ है। खाओ तो ना, क्या एक एक बाइट और, वो स्पाइसी है और चटपटा है। वो तो ने चिली पेस्ट डाला था ना उसकी वजह से। कल पनीर चिल्ली बनाएगा मैं। पनीर कहाँ से लाया, आसमान से तोड़ के? गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब रात से स्टार्ट किया था और अभी एंड करना है। रात को मैंने फिर नूडल्स वगैरह खाने के बाद मैंने कुछ ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि रात को ही मैंने जो वीडियो स्टार्ट की थी वो 10:30 बज रहा था, तो अभी क्या वीडियो ज़्यादा लंबी करूँ। मैंने सोचा कि चलो वीडियो को एंड कर देते हैं। आज आपको बच्चों की रेसिपी मिली है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को भी सिखाना, कि बच्चे अगर इंटरेस्टेड है किसी चीज़ में तो आप लोग उनको सिखाइए कुकिंग। अभी क्या है ना लॉकडाउन है ना, इसकी वजह से उनका भी नहीं आना जाना कहीं नहीं है, तो कुछ ना कुछ उनको भी न्यू ट्राई करना रहता है ना, तो इसके लिए अभी थोड़ा एक्साइटमेंट है उनको कुछ सीखने का मेरे घर में। तो अभी रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा है मेरे घर में, बच्चे बना रहे हैं, कभी टी बना रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है ऐसे ही। और बाहर से लिया दूध रखा फ्रीजर में? नहीं, सैंडविच बनना है, जॉब ब्रेड लेके आओ। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाने का सोच रहे हैं, तो वही मैं ब्रेड लाने के लिए बोल रही हूँ। और एक मुंडी हिला रही है, नहीं 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 पास्ता खाना, उसको पास्ता बनाने का शौक चढ़ा है अभी, तो वही सोच रही हूँ कि क्या ब्रेकफास्ट किया जाए। और अभी ये वीडियो का करूँगी एंड क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इस वीडियो में कुछ था नहीं, कुछ सिर्फ बच्चों की रेसिपी थी इसीलिए। तो कैसे लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, रेसिपी कैसी लगी। जो सूप बनाया था वो पैकेट वाला सूप था, जो कौन सा था अनु सूप से, चिंग्स का नहीं था, चिंग्स का सूप था, सिर्फ पानी मिक्स करके बनाना था, कप सूप था ना वो। तो हाँ तो सूप बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, खाया हमने तीनों ने पेट भर के। और आप भी बनाओ, आप भी सिखाओ बच्चे लोगों को, है ना फ्रूटी बराबर ना। अभी वो दिखा डॉगी, हमने डॉगी लिया, दिखाती हूँ। मेरे घर में दो डॉगी कम थे जो इसको लिया। मैं रात को इसको देखी ना, नींद आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा बाप रे ये किधर से आ गया। और अभी भी ये ऐसा बैठा था जैसे कि मतलब रियल डॉगी होता है वैसे। ये देखो क्या अच्छा लग रहा है ना। और एक है क्या, ये चेली मामा ये देखो, ये दो टैडी पड़ा था तो मैंने निकाल दिया इन लोग के लिए, काफी टाइम से पड़ा था। देखो चेरी मामा, केंडू मामा, ये तो बाबा बहुत भयानक है, ये खतरनाक है। तो चलिए
अभी ये वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, रेसिपी कैसी लगी। और इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा बताने, और जो नूडल्स बना था उसमें इन्होंने मतलब ये डाला था जिंजर पेस्ट और ऑनियन नहीं डाला था, ठीक है। तो उन्हें तो बहुत लोग बोलेंगे कि मत आपने ये किया वो किया, तो नहीं, जिंजर पेस्ट था और साथ में अपना ये था क्या, जिंजर गार्लिक पेस्ट था, क्योंकि उनको पता नहीं था जिंजर गार्लिक पेस्ट था, लेकिन ऑनियन नहीं डाला ये लोग ने। अब बच्चे हैं उनको क्या पता। तो फिर मैंने उनको बोला था कूट के डालने के लिए, तो उन्होंने वो पेस्ट डाल दिया। तो जाने दीजिए, होता है गलती से सब कुछ। तो चलिए अब ये वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और साथ में सब चैनल का लिंक दे दूँगी तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी एबी बेच मैक्स टकाटक पे फॉलो कर ले। और आज चेंज करने के लिए सोच रही हूँ, कल तो इतना बिजी थी, वो आपको मैंने दिखाया था ना कल के वीडियो में, आपने देखा होगा कि कितना सारा पूरा पसारा पसारा हुआ था, क्योंकि फिर कोई वीडियो शूट नहीं की उसमें। काम करते करते वीडियो शूट करेंगे तो काम नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने कुछ शूट नहीं की ऐसी। तो चलिए मिलती हूँ बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वहाँ से कुछ इशारे हो रहे हैं, क्या चाहिए? तो फिर चलिए, अभी उनका पढ़ाई चालू है क्लास, पीटी बैठ के हो रहा है, बैठ के खाली पीटी देखा जा रहा है, हो नहीं रहा है, यही तो है ऑनलाइन पढ़ाई इन लोग की। तो चलिए बाद में मिलती हूँ, बाय, लव यू ऑल।